हे गाइस, तो कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे अपने अपने घर पे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो गाइस, आज का व्लॉग मेरा यही रहने वाला है जो आपने स्टार्टिंग में क्लिप देखी। ये क्या सीन हुआ, कैसे हुआ? हम राइड के लिए निकले, बहुत टाइम के बाद राइड पे निकले थे सिद्रावाली साइड। एंड मेरी बाइक में आगे वाली नंबर प्लेट नहीं थी, पीछे वाली नंबर प्लेट थी। सारे डॉक्यूमेंट्स थे, सब कुछ था, बस कैमरा लगाया हुआ था, व्लॉग कर रहे थे। मेरे आगे एक फ्रेंड निकला, उसके बाद मैं निकला, मेरे बाद पीछे बशारत आ रहा था। बशारत आराम से आ रहा था, उसकी आप स्पीड चेक कर सकते हो, मैं जूम करके बताता हूँ। 30 की स्पीड थी उसकी, 34 की स्पीड थी। और आगे से ट्रैफिक वालों ने कोई हाथ नहीं दिया रोकने के लिए, कोई कुछ नहीं दिया, सीधा बैरिकेड आगे लाया। और बंदा बैरिकेड के साथ बच के नीचे गिरा था। गाइस, सिंपल सी बात है, वो बंदा इस टाइम जिंदा है। देखो, इसमें वो बंदा मर भी सकता था, उसको और ज्यादा लग सकती थी। अभी उसकी उसको टांग में लगी हुई है, हाथ में लगी हुई है, और भी मतलब अंदर से क्या पता है कितनी लगी हो। सच में ना गाइस, जम्मू में ना व्लॉगिंग क्राइम हो गया है, सीरियसली। मतलब क्या हो रहा है यार, ये केस ना पहली बार हुआ यार। मुझे नहीं पता हम कौन सी गलती कर रहे थे। व्लॉग करना गुनाह है क्या गाइस? व्लॉग करना क्राइम है क्या? मोटो व्लॉगर को क्या बना के रख दिया, चोर बना के रख दिया, चोरों की तरह हमें व्लॉग करना पड़ रहा है यार। माना कि पहले मैंने मॉडिफिकेशन कराई थी, मेरे को नी नॉलेज था कि भाई चलान वगैरह होता है, लेकिन जब पता चला तब उसके बाद मैंने मॉडिफिकेशन नहीं करवाई अपनी बाइक में। सिंपल बाइक है, सब कुछ नंबर प्लेट डॉक्यूमेंट सब कुछ है। आगे वाली अभी नहीं आई, इसलिए मैंने आगे नहीं लगाई थी। चलो मुझे पकड़ते फिर भी कोई चक्कर नहीं था, मैं खुद बोल रहा हूँ यार। लेकिन उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे, आगे पीछे दोनों नंबर प्लेट थी, लाइसेंस था, सब कुछ था उस, और साथ में ना और स्पीड भी नहीं था। नॉर्मल स्पीड में उन बंदू ने आगे से उसको हाथ नहीं दिया रुकने के लिए, सीधा भाई बैरिकेड आगे किया। यार ये कहाँ है, कौन से रूल में लिखा हुआ है कि एक ब्लॉगर को आगे सीधा बैरिकेड लगा दो? उसने उस बंदे ने क्या गुनाह किया था यार, मुझे बताओ क्या गुनाह किया था जो उसके आगे एकदम से बैरिकेड लाया। यार वो बैरिकेड के साथ बच के एकदम बाइक के चार पांच पलटे लग के नीचे गिरा। और गाइस एक चीज और, गिरने के बाद उसका जो सर है वो स्कूटी से इतना सारा बचा है। इतना बचा भी क्या, स्कूटी से लगा लेकिन बच गया। आंटी स्कूटी लेके जा रही थी, जब ये गिरा बिल्कुल यहां से पास से गया। सीरियसली वो सीन तुम देखोगे ना, सीरियसली एक बार फिर से देखो, इंसान को ना खौफ आता है वो देख के। अरे इतना ज्यादा डर लगता है, मतलब रोको यार। वो अगर 34 की स्पीड में था वो रुक जाता भाई, अगर उसको रोकते। अब वीडियो देखो, रोकने का इशारा ही नहीं है गाइस, सीधा बैरिकेड आगे लाया है। और बंदा और गाइस जब गिरा बंदे को उठाया, भैया यार रुक, उठाया तक नहीं, उसको पूछा तक नहीं, उस सीधी उसकी बाइक सीज की। अच्छा किस रीजन पे उसकी बाइक सीज की, क्या गुनाह किया था उसने? व्लॉग कर रहा था वो, उसने गुनाह कर दिया था। कौन से स्टंट करता है बशारत, कौन सी रैश राइडिंग करता है बशारत, क्या करता है वो? सीरियसली यार ये चीज देख के बहुत हर्ट हुआ। कभी मोटो व्लॉगिंग छोड़ने का नहीं सोचा था, लेकिन मुझे लगता है कि अब मोटो व्लॉगिंग क्राइम है। चोरों से ज्यादा और भी गंदी गंदी चीजों से ज्यादा, नशे से ज्यादा ये मोटो व्लॉगर हो गए हैं। मोटो व्लॉगर पे मतलब मोटो व्लॉगिंग करना क्राइम हो गया है, बहुत बड़ा क्राइम, छोटा क्राइम नहीं, बहुत बड़ा क्राइम। अब मुझे नहीं पता कि मैं गलत बोल रहा हूँ ठीक बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आपको जैसा भी लगता है ना यार, तो यार आप फुल वीडियो देखो जाके बशारत की, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फुल वीडियो देखो जाके, आपको सच समझ आएगा। एंड सच में मेरे को तो रोना आया उसकी वीडियो देख के, एंड वो सीन सामने हुआ है वो देख के। एंड मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा यार, अभी चलते हैं बशारत के पास, थोड़ा टाइम उससे बात करते, देखते क्या बोलता है। अभी चेक करो यार, इधर देख लो, अभी भी बंदा बैठा हुआ है। मतलब ये हाल हुआ, सीधा मतलब मारने की कोशिश की इसको, सीधा बैरिकेड आगे किया वो। ये बंदा अभी हमारे सामने है ना, इसको कुछ भी हो सकता था, बंदा मर भी सकता था, इतनी जोर से पड़ा है। ऊपर वाला है जिसने बचाया, अगर हम कुछ बोलेंगे ना, मुझे पता है हम ही सब गलत बोलेंगे। गलत तो हमें अभी भी कुछ लोग वीडियो देख रहे होंगे, बोलेंगे भाई आप ही गलत हो, आप तेज चलते हो स्टंट पास। गाइस एक ही चीज क्लियर करना चाहता हूँ मैं आपके सामने, मैं अपनी बात मुंह पे बोल रहा हूँ, अगर मुझे पकड़ते ना, मेरी आगे वाली नंबर प्लेट नहीं थी, कुछ नहीं था, इसको भी, इसके पास दोनों नंबर प्लेट डॉक्यूमेंट सारे, पोल्यूशन लाइसेंस सब कुछ, मतलब स्टॉक बाइक सब कुछ, और उसके बाद भी
आप वीडियो में देख सकते हो, अभी फिर से क्लिप देख लो, रोका नहीं इसको, सीधा बैरिगेड, आप अच्छे से जूम करके देखो, ऐसे हाथ नहीं किया, सीधा बैरिगेड आगे किया, 35-40 to 50 मान ले, हाईवे पे 100 प्लस चलते हैं, तो इसने नाका देख के कम की स्पीड, ये 35-40 की स्पीड, उसमें उन्होंने बैरिगेड आगे किया, ये आप बोलो कमेंट करके कि ये सही किया क्या, ये सही हो रहा है। मैं कंफ्यूज हो गया, और मेरे को पता ही नहीं चला मैं करूं क्या करूं, मेरे को पता है यहां गिरूंगा या कुछ होगा, मेरे को समझ नहीं आई। मैं एकदम यार सबको पता है रूल में ये बताया जाता है कि अगर कोई भाग भी रहा है, ये तो नहीं भाग रहा था, अगर भाग भी रहा है उसके आगे भाई डंडे मारने लगते हैं, बैरिकेड आगे कर लेते हैं, रुकने की कोशिश करनी होती है। यार आगे वाला बंदा किसी का बंदा, किसी का लड़का है, इतना जवान लड़का है, अगर इसको कुछ हो जाता तो क्या करते, कोई जवाब देता क्या, इतना लड़का कोई कहां से लाके देता क्या, नहीं कर सकता ना कोई भी। सीरियसली ये जम्मू में मतलब ये तो बहुत टाइम से चल रहा है, हर किसी को स्टंट बाज बोल रहे हैं, मेरी खुद 3 बार बाइक सीज हुई, जो भी स्पोर्ट्स बाइक है उसको बोलते हैं स्टंट बाइक। भाई स्टंट बाइक पता भी है होती क्या है, स्टंट बाइक नाम ही नहीं पता, स्टंट बाइक स्टंट करते हो, स्टंट बाज है, कैमरा जब्त कर लेंगे, ये कर लेंगे, क्या पहली बार जम्मू कश्मीर में ही व्लॉगिंग स्टार्ट होगी क्या, पहले बाहर दुनिया में व्लॉगिंग नहीं हो रही है क्या, मतलब जीना हराम करके रख दिया यार, ऐसे भागना पड़ रहा है चोरों की तरह भागना पड़ रहा है हमें, हर जगह से भागना पड़ रहा है यार। पता है अगर देख, अगर मैंने आज तक अभी नाका तोड़ा ही नहीं है, सिंपल सी बात है, मैं रुक जाता हूँ यार, ज्यादा बाइक की सीज होगी ठीक है, बट हमें डर है हम कहाँ से भाई 20-30 हज़ार चलान भरेंगे। गाइस सच बताऊं अभी तक ना मैंने 3 बार बाइक सीज हुई, मेरी कम से कम मेरा 30-35 हज़ार खर्चा आ गया, सोचो यार घर से पॉकेट मनी लेना तो और दोस्तों से मांग मांग के पैसे लेके हम चलान भर रहे हैं, मुझे बताओ हमारी गलती क्या है जिस बात पे हमारा चलान हो रहा है। हमारे जब भी चलान करता है उस चलान पे लिखा जाता है हिट एंड रन, या फिर लिखा जाता है स्टंट बाज या मॉडिफिकेशन। गाइस चलो छोड़ो यार मैं अपना नहीं, मुझे इस बंदे की मैं बात बोल रहा हूँ, जो इसकी हालत है अभी, टांग टूटी हुई है, बाजू टूटे हुए हैं, इस बंदे का मतलब और अंदर से पता नहीं क्या क्या लगी हुई है, कौन इसका आंसर देगा। इस टाइम अभी इसने बाइक रिलीज करनी है, वहाँ का खर्चा, जो इस पे मेडिसिन लग रही है, जो इसका खर्चा, अभी कितने टाइम बाद ये ठीक होगा उसका सीन, कोई नहीं ये चीज़ें समझता यार, बस स्टंट बस। लेकिन मैं कुछ नहीं बोलूंगा गाइस, बस इतनी चीज़ बोलूंगा, सीरियसली रिस्पेक्ट करता हूँ पुलिस की, बट जो ये सीन हुआ है ना ये सीरियसली गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। जैसे ये कहीं पता नहीं क्या मर्डर करके भाग रहा था जो इसके आगे बैरिगेड किया, एक ब्लॉगर ही तो है यार, ब्लॉगर को तुमने टेररिस्ट बना दिया, क्या बना दिया भाई, सीधा उसको तो मारने की प्लानिंग की हुई थी ना, सीधा मारने की प्लानिंग की हुई थी, उसके आगे बैरिगेड किया, वो तो ऊपर वाले की मर्जी से बचा है भाई, इतने गंदे हिसाब से गिर के भी क्या ही बोलेगा बंदा यार। मुझे पता है ये वीडियो बना रहा हूँ ना, बहुत कुछ है बोलने के लिए मेरे पास, लेकिन बोल नहीं पाऊंगा, मैं बोलूंगा मेरी भाई घर से सीज हो जाएगी, मेरे ऊपर पता नहीं कौन कौन से इल्जाम चढ़ जाएंगे, हम ना अब वो अपने मुंह से ना बात भी नहीं बाहर निकाल सकते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा करके पता नहीं कौन सा केस, कुछ बोल भी नहीं सकते भाई।